दोस्तों, आप अगर एक बहुत ही बजट फ्रेंडली और एक अच्छी ईयरबड्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं पीट्रॉन्स के इन बेस बड्स का। बताने वाला हूं कि इस बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस डिवाइस का क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्यों इस डिवाइस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस डिवाइस को मैं पिछले 2-3 महीने से यूज कर रहा हूं और मेरा इस डिवाइस के साथ क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप डिसीजन ले पाए कि क्या इस डिवाइस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एयरबड्स ऐसे एक छोटे से ब्लू एंड व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है। इस बॉक्स के सामने की तरफ आपको प्रोडक्ट का इमेज देखने को मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ है पीट्रॉन्स बेस बड्स ट्रू वायरलेस स्टूडियो एयरबड्स। पीछे की तरफ आपको इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि कनेक्टिविटी वायरलेस है, हर एक एयरबड का कैपेसिटी 50 mAh का है, ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर का है और जो मेन चार्जिंग यूनिट है उसका कैपेसिटी 400 mAh है। मतलब ये दोनों एयरबड्स को अप टू 4 times चार्ज कर सकता है। इस डिवाइस का स्पीकर सेंसिटिविटी 105 डेसिबल टू 3 डेसिबल है। म्यूजिक प्ले टाइम है 6 hours का, टॉक टाइम है 5 hours का, स्टैंड बाई टाइम है 100 hours का एंड इस डिवाइस का चार्जिंग टाइम है 1.5 hours का। इसके साथ ही आपको 1 साल का वारंटी इसमें देखने को मिलेगा। इस प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे प्रिंटेड है 2499। हालांकि ये डिस्काउंट में मुझे अमेजोन में 999 में मिला था। अभी इस बॉक्स को खोल के देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलता है। बॉक्स में सबसे ऊपर आपको यूजर मैनुअल मिलता है, जहाँ पे इस डिवाइस को आप किस तरह से यूज कर सकते हो या फिर किस तरह से अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऐसे सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको बॉक्स में ये मेन चार्जिंग यूनिट मिलता है और नीचे की तरफ आपको 2 एयरबड्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एयरबड्स देख लेते हैं। काफी छोटा साइज है। दोनों एयरबड्स में LED इंडिकेटर है जो कि रेड एंड ब्लू कलर में ब्लिंक करता है। जैसे ही आप इस डिवाइस को ऑन करोगे तो दोनों एयरबड्स अपने आप पेयर हो जाता है। और ये है इस डिवाइस का मेन चार्जिंग यूनिट, जो कि छोटा है काफी। पीछे की तरफ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाता है। एक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, सामने की तरफ आपको पीट्रॉन्स लिखा हुआ मिलेगा एंड उसके ऊपर आपको 4 इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इस डिवाइस का चार्जिंग लेवल कितना है। चार्जिंग यूनिट के अंदर आपको एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा जो कि इस डिवाइस को ऑन एंड ऑफ करता है। एक तरफ आपको लेफ्ट एयरबड रखना है, जहाँ पे आपको L का इंडिकेटर दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको R का इंडिकेटर दिया है। जैसे ही आप एयरबड्स को यहाँ पे प्लेस करोगे तो यहाँ पे एक मैग्नेट है, जिससे ये एयरबड्स आराम से यहाँ पे फिट हो जाता है और चार्ज शुरू हो जाता है। उसके बाद आप इसको इस तरह से बंद करके आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। जब दोनों एयरबड्स चार्ज होते रहेंगे तो आप बाहर से इस तरह से देख के पता लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको रेड कलर का इंडिकेशन देखने को मिलता रहेगा। इसके अलावा बॉक्स में आपको चार्जिंग केबल मिल जाता है, जिसके मदद से आप जो मेन चार्जिंग यूनिट है उसको आपके PC या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा बॉक्स में आपको 2 जोड़े एक्स्ट्रा एयरबड्स मिल जाता है, जिसको आप चेंज करके आराम से यूज कर सकते हो। इस डिवाइस का ऑपरेशन काफी सिंपल है। जैसे कॉल रिसीव करने के लिए आपको किसी एक एयरबड्स में सिंगल टैप करना है और रिजेक्ट करने के लिए आपको डबल टैप करना है। उसी तरह से म्यूजिक को प्ले एंड पॉज करने के लिए आपको सिंगल टैप करना है, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए डबल टैप करना है एंड प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको ट्रिपल टैप करना है। और इसको यूज करने के लिए सिंपली आप इसको जैसे ही खोलोगे और इसमें इस तरह से निकाल के आप अपने कान में इसको लगा के इसको सिंपली आप यूज कर सकते हो। अपने मोबाइल के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। और यूज करने के बाद सिंपली आप इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐसे रख सकते हो और फिर से वो चार्ज ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो बहुत ही सिंपल इसका ऑपरेशन है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और इसीलिए ये डिवाइस मैं आप लोगों को रेफर करूंगा। डेफिनेटली आप इस डिवाइस को यूज करें। दोस्तों, अगर इस डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो मुझे पर्सनली इसका जो एयरबड्स है उसका क्वालिटी काफी अच्छा लगा, प्रीमियम लगा। हालांकि जो मेन चार्जिंग यूनिट है उसका बिल्ड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइस को कंसिडर करें तो उसके हिसाब से ये जस्टिफाइड है और अच्छी है। इस डिवाइस में आपको अबव एवरेज साउंड क्वालिटी मिल जाएगा, जो कि आप नॉर्मल बात करने के लिए या फिर नॉर्मल म्यूजिक सुनने के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप म्यूजिक लवर हो एंड आप म्यूजिक को हाई क्वालिटी में सुनना पसंद करते हो तो मैं ये डिवाइस आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। इन जनरल इस डिवाइस का कनेक्टिविटी काफी अच्छा है, हालांकि कभी कभी यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू दिखाई देता है, जहाँ पे दोनों एयरबड्स आपस में कम्प्लीटली सिंक्रोनाइज नहीं होते और इसीलिए जो म्यूजिक या फिर ऑडियो आप सुनोगे वो आपको डबल सुनाई देता है। अगर मैं बैटरी बैकअप या फिर चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो इस डिवाइस में मुझे काफी अच्छी बैटरी बैकअप अभी तक मिल रहा है, तो बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। ओवरऑल ये एक डिसेंट डिवाइस है, आप डेफिनेटली इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। और अगर आप प्राइस पॉइंट को कंसिडर करें, जहाँ पे ये डिवाइस आपको केवल 999 में अवेलेबल हो रहा है, तो ये काफी
अच्छी डिवाइस में बोलूंगा जो कि आप डेफिनेटली डे टू डे यूज के लिए यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी और इस वीडियो में आप पीट्रॉन्स के इन एयरबड्स के बारे में कंप्लीट चीजें जान पाए होंगे। इस डिवाइस को आप डेफिनेटली यूज करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से क्लिक करके आप डेफिनेटली इस डिवाइस को यूज करें। हालांकि अभी COVID-19 के वजह से ये डिवाइस आपको अमेजन में नहीं मिलेगा, लेकिन सिचुएशन जब नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद आप इस डिवाइस को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। खरीदे, म्यूजिक सुने, एंजॉय करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इस तरह से वीडियो देख के एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।